फ्रेंड्स, कल मैंने मेरे गांव की एक मशहूर मिठाई सिट्टा की रेसिपी पोस्ट की थी और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए। उसमें हमने खसखस का यूज किया था। सिट्टा को खसखस, जो शुगर कोटेड खसखस होते हैं, उस पर रोल किया जाता है। तो कल के वीडियो में मैं ये बताना भूल गया था कि खसखस को शुगर में कैसे कोट करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम स्टोव ऑन कर लेते हैं और हमने इतनी खसखस ली है और इसी अंदाज से हम चीनी का यूज करेंगे। तो ये हमने चीनी ली है और अब हम इसमें इतना ही पानी डालेंगे जितने में ये गीली हो जाए। ज़्यादा पानी डाल देंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा इसे बनाने में। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। तो इसे लगातार चम्मच से चलाते हुए चाशनी को बनाना है। देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है, ये जमने लग गई है, वाइट कलर हो रहा है। तो अब हम जल्दी से इसमें ये डाल देते हैं खसखस। इनको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं और अभी भी हमने स्टोव ऑन ही कर रखा है, ऑफ नहीं करना है, बस लो फ्लेम हो। अब ये वाइट होने लगी है तो इसे चम्मच चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। स्टोव ऑफ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने थोड़ा सा मॉइस्चर रहने दिया चाशनी में, उसके बाद स्टोव को ऑफ कर लिया, फिर लगातार चम्मच चलाते हुए चाशनी को ठंडा किया। ठंडा होने के बाद हमने इस छन्नी से छान लिया और इस तरह से हमारे ये शुगर कोटेड खसखस बन गया। मैंने ये अभी थोड़ा सा बनाया है वीडियो बनाने के लिए और आप ये पहले से बनाकर भी रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वो सिट्टा मिठाई की रेसिपी जरूर देखिए और आप इस तरह से मिठाई बनाइए और बताइए कि आपको ये मिठाई कैसी लगी। अगली वीडियो आने तक के लिए बाय फ्रेंड्स।